और स्कॉटलैंड से एक अच्छी खबर आई है। ग्लासगो शहर में एक संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं, जिसके मुताबिक भारत से चोरी की गई कलाकृतियां वापस की जाएंगी। इन सामानों में एक वो तलवार भी है जिसे 1905 में हैदराबाद के निजाम के संग्रह से उनके ही मंत्री ने चुरा लिया था। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान के बांध को नए आयाम तक पहुंचाने का जो संकल्प है प्रधान का, उसके सिद्ध होने का ये साक्ष्य है। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा की पूर्णता का ये प्रमाण है। ये वो कलाकृतियां हैं जिन्हें गुलामी की मजबूरी ने हिंदुस्तानियों से छीन लिया था। ये वो खजाना है जिसे वक्त ने समंदर पार भेज दिया था, जो सदियों पहले चुरा लिया गया था, जिसमें 14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक तलवार है। कानपुर के एक मंदिर से ले जाया गया 11वीं शताब्दी का पत्थर का नक्काशीदार दरवाजा भी है। और भी बहुत कुछ है जिसे स्कॉटलैंड अब सदियों बाद भारत को वापस करने वाला है। नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा, फिर से झुकी दुनिया। सदियों पुराना वापस मिलेगा खोया खजाना। 1000 साल की कलाकृति अब वापस मिलेगी। हस्ताक्षर की ये तस्वीर ऐतिहासिक है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर स्थित संग्रहालय चलाने वाले परमार्थ संगठन ग्लासगो लाइफ के चीफ ने ब्रिटेन में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त सुजीत घोष की मौजूदगी में भारतीय धरोहरों की वापसी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। ये कलाकृतियां 6 श्रेणी, शिव तथा उनके शिष्यों, शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु तथा उनके रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुओं से संबंधित है। साल की शुरुआत में ही इसकी कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन अब इन 7 प्राचीन कलाकृतियों के अब भारत वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल 14वीं शताब्दी की नक्काशी और 11वीं सदी के पत्थर के दरवाजे के जाम सहित 6 वस्तुओं को 19वीं शताब्दी में मंदिरों से चुरा लिया गया था। 7वीं वस्तु एक औपचारिक तलवार है जिसे 1905 में हैदराबाद के निजाम के संग्रह से उनके प्रधानमंत्री द्वारा चुराया गया था। ये माना जा रहा है कि ये सामान कानपुर, कोलकाता, ग्वालियर, बिहार और हैदराबाद का है। इससे पहले मार्च में भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से संबद्ध 29 कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें लौटाने के लिए अपने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन का आभार जताया था। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक 2014 से अब तक 228 कलाकृतियां भारत को लौटाई जा चुकी हैं। अब स्कॉटलैंड में सभ्यता और संस्कृति की निशानी वापस आने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ग्लासगो ने चोरी की कलाकृतियां अपने स्रोत देश को लौटाई हैं। स्रोत राष्ट्र के लिए किसी वस्तु की पहली वापसी 1998 में हुई थी, जिसमें लकोटा राष्ट्र में भूत शर्ट की वापसी हुई।